तो भाई साहब, अगर आप लोग भी अपना स्नैपचैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। घबराइए नहीं, सबसे पहले हम प्ले स्टोर से जा करके अपना स्नैपचैट को अपडेट कर लेते हैं, जिससे कि जब भी आप डाउनलोड कीजिएगा तो लेटेस्ट वर्जन पर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सिंपली स्नैपचैट लिख करके सर्च कर देते हैं। स्नैपचैट लिखने के बाद मेरा अपटूडेट आ चुका था, इसको अपटूडेट कर देते हैं। सिंपली अपटूडेट होने के बाद आप लोगों को सीधे लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे बनेगा स्नैपचैट पर अकाउंट मेरा। तो चलिए, सिंपली अपटूडेट करने के बाद यहाँ पर अपटूडेट हो ही रहा है, तब तक के लिए कुछ देर वेट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक इसे ओपन होने के बाद आप लोगों को बताते हैं कि कैसे बनेगा हमारा स्नैपचैट अकाउंट। तब तक के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। अब हमारे पास लेटेस्ट वर्जन वाला स्नैपचैट आ चुका है, तो सिंपली अब हमें यहाँ से ओपन वाले पर क्लिक करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद हमारे सिंपली खुल जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर दो ऑप्शन है, साइन अप और लॉगिन। तो साइन अप का मतलब हमारे पास हुआ कि पहले से मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, मैं नया बनाऊंगा, या फिर मेरे पास पहले से आपके पास अकाउंट होगा तो सिंपली यहाँ से हमें लॉगिन वाले पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले पर मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, आप हम लोग को तो नया बनाना है अकाउंट, तो सिंपली यहाँ से आते हैं साइनअप वाले पर क्लिक कर लेते हैं। साइनअप पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ से हमें कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा, उसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पर एक्सेस मांग रहा था, एक्सेस के हमें पर डोंट अलाउ कर देते हैं, जिससे कि ये आपका पूरे कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेगा। उससे सभी लोगों को नोटिफिकेशन दे देगा कि आपने यहाँ पर स्नैपचैट अकाउंट बना लिया। तो सिंपली आपको मन हो तो अलाउ कर दीजिए, या फिर नहीं होगा तो डोंट अलाउ पर क्लिक कीजिए दो नंबर पर। मैं यहाँ पर डोंट अलाउ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डोंट अलाउ करने के बाद मेक कॉल फोन से डोंट अलाउ कर देते हैं। डोंट अलाउ नोटिफिकेशन सब करने के बाद यहाँ पर आपका नाम पूछेगा, तो सिंपली हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं, आप भी अपना डाल दीजिएगा। तो जो आपका नाम हो वो डाल देते हैं, मैं यहाँ पर अपना नाम डालता हूँ, आप भी डाल दीजिएगा। जैसे मेरा नाम हुआ विक्रम राय, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, सिंपली आपको 13 साल से ऊपर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका सिंपली डेट ऑफ बर्थ 13 साल से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे होगा तो आप लोगों को नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिंपली डेट ऑफ बर्थ अच्छे से अपना सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये आपका यूजर नेम बोल रहा है, तो सिंपली आपको लेना होगा तो ले सकते हैं, या फिर नहीं लेना होगा तो सिंपली यहाँ पर चेंज माय यूजर नेम पर मार करके चेंज कर लेंगे। यूजर नेम कुछ यूनिक होना चाहिए, तो यूनिक यूजर नेम के लिए सिंपली हमें यहाँ पर कुछ लिखना होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ .11 अवेलेबल होगा तो हमें पक्का मिल जाएगा। तो यूजर नेम अवेलेबल है पहले से, इसलिए हमें मिल गया। तो यूजर नेम लेने के बाद सिंपली हमें यहाँ से कंटिन्यू वाले पर क्लिक करके कंटिन्यू करके आगे की ओर चल देना है। यहाँ पर आपको सेट है पासपोर्ट पूछ रहा है, तो पासपोर्ट यहाँ से मैं जो भी आपका मन हो वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो सिंपली पासपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ, आप लोग भी अपना अपना डाल दीजिएगा। जैसे 8 करेक्टर में सिर्फ पूछ लेगा, यहाँ पर सिर्फ अंकों में लेगा और कुछ नहीं। तो अंकों में देने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर अपना कुछ डाल देते हैं, जैसे कि नहीं 1 2, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगर आप लोग बार बार पासपोर्ट भूल जाते हैं तो सिंपली यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों का पासपोर्ट नहीं शो होगा, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली अब यहाँ कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसका कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है, फिर से अलाउ करने के लिए पूछे, डोंट अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर से आपका फ़ोन नंबर पूछेगा, तो सिंपली यहाँ से फ़ोन नंबर डायल कर दीजिए। फ़ोन नंबर डायल कर दीजिए, उसके बाद सिंपली आपको आगे बढ़ाने के लिए वेरीफिकेशन कोड मांगेगा। उसके बाद आपको फिनिश वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपके पास एक वेरीफिकेशन कोड गिरेगा, उस कोड को सीधे सीधे लेकर के यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे कि मेरा वेरिफिकेशन कोड आया, तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर कुछ लगता है कि गलत डाला गया है, सॉरी दोस्तों गलत डाल दिए थे एक से। उसके बाद वो ऑटोमेटिक से ले लेगा। उसके बाद हमारा पूछ रहा है यहाँ पर एड योर फ्रेंड वेटिंग फॉर यू, वही जो कॉन्टेक्ट अलाउ करने के लिए, तो यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ से स्किप कर देना है, स्किप करके आगे बढ़ जाना है। स्किप करने के बाद सिंपली ये वो सारे लोग हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट में से चला रहे हैं, तो इन सभी को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली आपको करना होगा तो ऐड माई 5 फ्रेंड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली हमें यहाँ से स्किप कर देना है। स्किप कर देने के बाद मैंने स्किप कर दिया, उसके बाद फ्रेंड से स्किप चैट स्किप पर कर दिया। उसके बाद तो आपको पूछ रहा है क्रिएट योर बीट इमोजी, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू वाले पर क्लिक कर देना है बीट इमोजी के लिए। कंटिन्यू वाले पर क्लिक करते हैं, तो स्नैपचैट पिक्चर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो वहाँ पर ओनली दिस टाइम एक बार कर दीजिए। सिंपली ये हमारा ले रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर गेट स्टार्ट कर दीजिए। नो फेस कैप्चर बोल रहा है, तो यहाँ पर इसको एस्केप कर दीजिए, नहीं हो रहता है, एस्केप कर दीजिए।
स्किप करने के बाद स्नैपचैट नोटिफिकेशन, तो इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद टर्न ऑफ एक्सेस मांग रहा है विदाउट परमिशन, तो इसको टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद ऑन करने के बाद ये सब मांग ही रहा है, तो इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ आपको जो भी ओनली दिस टाइम एक ही बार के लिए अलाउ करना होगा, जो भी कीजिएगा। तो कंटेंट कम मांग रहा है तो उसको यहाँ पर उसको डोंट अलाउ कर दीजिए सिंपली। अब आप लोग यहाँ से देखिए जो भी फिल्टर फोटो फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आ गया है, आप देखते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर सिंपली बन चुका है। तो आप लोग आज सीख चुके हैं कि कैसे स्नैपचैट अकाउंट बनाया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो पसंद आया और आपका काम हो गया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।